भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आपका स्वागत है। मैं मधुबनी में हूँ और पूर्व सांसद पद्मश्री हुकुम देव नारायण यादव आज मुझे मिले हैं। उनसे कुछ सवाल है कि लगातार मिथिला में जो बाढ़ से लोग झेलते रहते हैं वो कब बंद होगा। सर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहला सवाल है कि लोग पहले गुड़ चूड़ा जमा करते थे बाढ़ आने से पहले, जब पता चलता था कि बाढ़ आना है तो गुड़ चूड़ा जमा करते थे, इस बार गुड़ चूड़ा जमा करने का मौका भी नहीं मिला, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, जिन लोगों को इस मिथिलांचल के प्राचीन भौगोलिक बनावट का ज्ञान नहीं है और व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, वही लोग चंद किस्म की बात करते हैं। केवल मिथिलांचल का बनावट ही है वो बाढ़ के पेट में है, क्योंकि नेपाल से जो नदियाँ सीधे नेपाल से उतरती है वो इधर ही होकर के गंगा में जाके मिलती है, और इसमें सारे नदियाँ नेपाल के पहाड़ से आती हैं। अब जब नेपाल के इस पहाड़ी क्षेत्र में कोई 1500-2000 किलोमीटर लंबा में जो बाढ़ वर्षा होती है तेज की, तो पहाड़ का बूंद बूंद पानी उन नदियों के मार्फत सब मिथिलांचल की नदियों में पहुंचता है, जिससे तूफान मचाता है। अब नेपाल के पहाड़ पर जो वर्षा होती है उस वर्षा को रोकने के लिए तो किसी भी सरकार के पास में और संस्था के पास में सामर्थ्य नहीं है। दूसरी बात है कि कब कितनी वर्षा होगी, किस साल कितनी वर्षा होगी, ये आजकल तो मौसम वैज्ञानिक पूर्वानुमान भी लगा लेते हैं, लेकिन इसका तो पहले पूर्वानुमान भी नहीं लगता था। दूसरी बात है कि मौसम परिवर्तन के कारण जो मौसम के चक्र में हेरा फेरी हुई है उसके कारण भी बदलता है। साधारणतः हमारे यहाँ मिथिलांचल में बाढ़ आती थी 25 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में, और इस बार उससे पहले ही वर्षा तेज की वर्षा हुई और बाढ़ आ गई। तीसरी बात है कि लोग कहते हैं इसको रोकने के लिए तटबंध की बात है, मिथिलांचल की जितनी नदियाँ हैं सब नदियों में तटबंध है, सभी नदियों में तटबंध है। तो सर हर प्रकार से टूट कैसे जाता है? अब पानी जब आएगा तो टूटने का, जब बांध डूब जाएगा तो अब ये लोग जो प्रश्न करते हैं कि बांध डूब कैसे गया, तब ये प्रश्न का उत्तर तो न मैं दे सकता हूँ न कोई वैज्ञानिक दे सकता है। हम ही इतने दिन से हैं, लेकिन जयनगर का जो बराज है, पुल है, उसको आज तक पानी में हमने डूबते नहीं देखा, लेकिन आज इस बार पानी में डूब गया, उस पर वो 3 फीट पानी चल रहा था। अब ये लोग पूछे कि भाई उस पर 3 फीट पानी कैसे चल गया, तो इसका उत्तर कौन देगा? प्रकृति से जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए, मानव उसका उत्तर नहीं दे सकता है। मानव उससे निपटने के लिए, बचने के लिए प्रयास कर सकता है। तो बाढ़ से बचने के लिए जिस समय तटबंध बन रहे थे उस समय दो राय थी। एक राय के लोग थे कि तटबंध बांधा जाए, और जय जयकार कर रहे थे उस समय तटबंध बांधने वाली सरकार का, और दूसरे पक्ष के लोग थे जिसमें सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, डॉक्टर बैद्यनाथ झा इत्यादि सब लोग थे, उनके नेतृत्व में वो लोग लड़ रहे थे कि नदियों को तटबंध से घेरोगे तो यही कभी मिथिलांचल में प्रलय का कारण बनेगा, इसलिए इसका निदान तटबंध नहीं है, इसका निदान और है। और उसका निदान है कि सभी नदियों में जो नेपाल से मिट्टी आती है पहाड़ से, उसके उड़ाही का कार्यक्रम होते रहना चाहिए, जिससे नदी की गहराई बनी रहे, जो पानी ज़्यादा नदी में रहे। दूसरे मिथिलांचल में जितनी मृत नदियां हैं और आहार पैन जितने हैं, स्रोत जलाशय जितने हैं, उन सबों की खुदाई कर दी जाए जिससे कि पानी के भागने का रास्ता मिल जाए। तो अब जितने आहार पैन थे गांवों के अंदर, जिस होकर के पानी के बाढ़ का पानी निकलता था,
वो सबको लोगों ने अतिक्रमण करके सबको करीब करीब उसके पर 90% को लोगों ने भर लिया, उसमें खेत करने लगे। तो अब उसका जवाब कौन देगा? पानी तो निकल नहीं पाता है, पानी आता है पानी निकल नहीं पाता है, तो पानी के निकलने का रास्ता चाहिए। तो सारे जितने जो आहार और पैन है परंपरागत, या जितने नहरें हैं या मृत नदियां हैं, उन सभी की खुदाई कर दी जाए। और जब खुदाई करने जाएंगे तो अतिक्रमण से मुक्त करने जाएगा तो फिर सड़क जाम होगा, फिर जुलूस निकलेगा। दूसरा पक्षी भी है कि निकालेगा कि भाई इतने लोग विस्थापित होंगे, सरकार उजाड़ रही है, प्रशासन उनको हटा रही है। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, इन विसंगतियों के बीच में समाज आकर के फंस गया है। कहीं ना कहीं इतना बड़ा त्रासदी है और जो दो तीन गांव है उसका पता नहीं चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? ये दो तीन गांव का ही बात छोड़िए ना साहब, जाकर देखिए कुशेश्वर में, सिंगिया में, सुपौल में, जो कोसी के अंचल में हम तो यहीं देख रहे हैं ना, या किशनगंज में, कटिहार में, पूर्णिया में, सुपौल में, सहरसा में, से लेकर के मधुबनी से लेकर दरभंगा तक, और मुजफ्फरपुर का जो इलाका है औराई से लेकर के वो इलाका सीतामढ़ी तक का, तो ये नेपाल के किनारे किनारे उत्तर प्रदेश तक, यही केवल बिहार में नहीं, ये बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक नेपाल की तराई में जो बसे हैं, और जितनी नदियां वहां से निकलती है सब जगह ऐसे ही तांडव होता है, बांध टूटते हैं। इस साल संयोग से यहां नरवार में टूटा।